नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आयुर्वेद की एक और महत्वपूर्ण औषधि की जानकारी लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शंख पुष्पी के बारे में, इसके गुणों और इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, औषधियाँ कई तरह की होती है, उनमें से एक बहुत ही गुणकारी औषधि है शंख पुष्पी। चूंकि शंख के समान आकृति वाले सफेद पुष्प होने की वजह से इसे शंख पुष्पी कहते हैं। यह दूध के समान सफेद फूल है। यह सारे भारत में पथरीली भूमि में जंगली रूप में पाई जाती है। इनमें से सफेद पुष्पों वाली शंख पुष्पी ही औषधि मानी गई है। दोस्तों, आयुर्वेद में हर तरह के रोगों व विकारों का रामबाण इलाज होने की वजह से यह बहुत ही प्रभावी औषधि मानी गई है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं क्या है शंख पुष्पी। दोस्तों, लैटिन में इसे प्लेडेरा डेकुसेटा के नाम से जाना जाता है। दिमागी कमजोरी, अनिद्रा, सुजाग, मानसिक रोग, भ्रम जैसी समस्याओं में इसका महीन पिसा हुआ चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम मीठे दूध के साथ या फिर मिश्री की चाशनी के साथ सेवन करने से इन सब रोगों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शंख पुष्पी के पंचांग, जड़, फल, फूल, तना, पत्ते का रस 4 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम रोजाना सेवन करने से कुछ महीनों में मिर्गी का रोग दूर हो जाता है। दोस्तों, शंख पुष्पी दिमाग के लिए बहुत ही प्रभावी औषधि मानी जाती है। इसके सेवन से न केवल दिमाग की क्षमता बढ़ती है, साथ ही यह एकाग्रता को भी बढ़ाती है। दोस्तों, पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही गुणकारी औषधि साबित होती है। इसके अलावा तेज बुखार के कारण कुछ रोग मानसिक नियंत्रण खो देते हैं और अनाप शनाप बकने लगते हैं। ऐसी स्थिति में शंख पुष्पी और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर एक एक चम्मच दिन में 3 या 4 बार पानी के साथ देने से लाभ होता है और नींद भी अच्छी आती है। बात करते हैं इसके अगले फायदे की दोस्तों, जो कि है हाई ब्लड प्रेशर में। उच्च रक्तचाप के रोगी को शंख पुष्पी का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से रक्तचाप सामान्य हो जाता है। 2 कप पानी में 2 चम्मच चूर्ण डालकर उबालें। जब यह आधा कप रह जाए तब उतारकर ठंडा कर इसे छान लें। यही काढ़ा है जो 2 या 3 दिन तक आपको पीना है। उसके बाद एक एक चम्मच पानी के साथ आपको लेना शुरू करना है। रक्तचाप आपका सामान्य होने लगेगा। बात करते हैं इसके अगले फायदे की दोस्तों, कुछ बड़े बच्चे हो जाने पर भी बिस्तर पर सोते वक्त पेशाब करने की आदत छोड़ नहीं पाते। ऐसे बच्चों को आधा चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर सुबह शाम चटाकर ऊपर से ठंडा दूध या फिर पानी पिलाना है। ऐसा आपको कम से कम 10 दिनों तक करना है। बच्चों की यह समस्या, जो कि काफ़ी बड़े हो चुके हैं लेकिन फिर भी उनका पेशाब बिस्तर में करना नहीं छूट रहा है, वह समस्या से आपको निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आयुर्वेद की एक चमत्कारी औषधि शंख पुष्पी और उसके क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।